अब तक हमने ड्रैगन बॉल सुपर में देखा है जहाँ पर गोकू से प्रेरित होकर ग्रैंड जेनो ने एक जगह पर सबको बुलाया, जहाँ पर मेन एक्सपो से पहले ग्रैंड जेनो का एक्सपो शुरू किया जाता है जो कि 7th यूनिवर्स और 9th यूनिवर्स के बीच होता है, जहाँ पहला फाइटर मांजिन बू रिंग में जाता है, जहाँ पर मांजिन बू सामने वाले को खत्म कर ही देता है। यह ग्रैंड जेनो को भी अच्छा लगा है, इस वजह से अभी नेक्स्ट फाइट शुरू होने वाली है जहाँ पर गोहान आ जाता है। गोहान अब रिंग में एंटर करता है और इसी नोट पे दोस्तों इस एपिसोड की शुरुआत होती है। दोस्तों आपने अभी तक अगर इसका पिछला वाला अमेजिंग एपिसोड नहीं देखा है जो यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, जाके उस चीज का मजा उठाओ, इस वीडियो को भी कंटिन्यू करो। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दो। अब हम देखते हैं गोहान सोच रहा है कि कैसे लड़ा जाए, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है वो लड़ा ही नहीं है। इस वजह से वो सोच रहा है कि अगली मूव उसे चलने देनी चाहिए या मैं चलूं, क्योंकि मैंने बहुत रेस्ट कर ली है तो मुझे पता नहीं चल रहा है उसकी पावर का भी। गोकू आवाज देता है, गोहान तुम सोचो मत, जिसकी पावर हम लोग मेजर नहीं कर सकते उसके लिए तुम फुल फ्लेज अटैक कर दो। गोहान कहता है आप श्योर हो डैड? गोकू कहता है हाँ मैं श्योर हूँ। जहाँ अब गोहान और उसका अपोनेंट सामने आता है और मैच शुरू होती है, जहाँ दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जहाँ पर थोड़ी देर मारने के बाद इन दोनों को ही नहीं लगता, लेकिन गोहान जैसे ही अपना पंच लगाने जाता है वैसे ही वो उसका पंच पकड़ता है और उसके ऊपर घूम जाता है और एक स्मोक गैस फेंक देता है सीधा ही गोहान के फेस के ऊपर, जहाँ पर अब गोहान को कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। उतने में ही वो जो उल्फ है वो अपने हाथ पर, दोनों हाथों पर वो गैस ले लेता है और उसी गैस के वो पकड़ कर पंच मार रहा है कंटिन्यू वो गोहान को, जहाँ पर एक लात मार कर ही गोहान को नीचे फेंक देता है। जहाँ गोकू कहता है कि मैच के शुरुआत में ही उसने उसको अंधा कर दिया। जहाँ विस हंसता है और कहता है कि दरअसल वो पॉइजन है, जहाँ पर वो कंटिन्यू मारे जा रहा है लेकिन गोहान का वार लगता ही नहीं है। जहाँ वो सामने वाला जो लैवेंडर है वो कंटिन्यू मार रहा है, तभी वहाँ उसका सुप्रीम कायक भी कहता है कि देखो ये ट्रायो जो है ये डेंजर ही है। जहाँ गोहान इतने बार मार खा रहा है तभी मिस्टर सेटन कहते हैं ये एक घटिया चाल है। गोकू कहता है मैं मानता नहीं, जब आप रिंग में होते हो तो पूरी तरह से कंट्रोल आपके हाथ में होता है। जहाँ ये लैवेंडर कहता है कि मेरे जहर का स्वाद कैसा लगा बच्चे, अगर तुमने इसको ज्यादा देर तक स्मेल करते रहे तो तुम्हारी बॉडी पिघलने लगेगी। सुप्रीम का कहता भी है उनका कि तुम लोग सरेंडर क्यों नहीं कर देते, इसके पहले तुम्हारे लोग ही हारने लगे। 7th यूनिवर्स के सुप्रीम का कहते हैं कि ये लो हम सेंसबीन खाते हैं, क्योंकि इसके पहले भी उसने गोली तो इस्तेमाल की ही थी ना। तभी गोहान कहता है नहीं सुप्रीम का है। तभी लैवेंडर उसको एक लात मार के दूर फेंक देता है। जहाँ गोहान उठ खड़ा होता है और कहता है प्लीज मुझे लड़ने दीजिए, अपनी पावर का इस्तेमाल करने दीजिए। तभी इधर गोकू कहता है सुप्रीम का है वो सेंसबीन मुझे दे दीजिए। मिस्टर सेटन कहते हैं क्या तुम ये गोहान को दोगे? गोकू कहता है नहीं, ये उसके लिए अच्छी ट्रेनिंग है क्योंकि सामने वाले ओपोनेंट की वो ताकत भी नहीं जान पाता। इधर लैवेंडर घूम फिर कर कह रहा है कि मेरा जहर तुम्हारी बॉडी को अंदर से तोड़ देगा, जहाँ एक एक बॉडी पार्ट को वो महसूस होगा। जहाँ ये पलट कर पीछे आता है लैवेंडर, और तभी गोहान सोचता है कि मुझे महसूस करना होगा अपने शरीर से, जहाँ उसकी वो चाल भी महसूस करता है। वैसे ही लैवेंडर ऊपर जाता है और लात मारने के लिए आगे आ जाता है। जैसे उसके बालों को यानी गोहान के बालों को उसका पैर हिट करता है, वैसे ही गोहान उसको पकड़ लेता है अपने हाथ से और एक पंच मार देता है। अब वो गुस्से से मार रहा है लेकिन गोहान इजीली उसके वार को अपने हाथ से ही डॉच किए जा रहा है। जहाँ इनका काय जो है वो चिल्लाता है, तभी वहाँ का फाइटर कहता है कि टेंशन मत लीजिए, वो अपने सेंसेस को बढ़ा रहा है और ऐसे फाइटर से लड़ना तो अच्छी बात है। अब लैवेंडर फिर से आता है, कंटिन्यू गोहान को मारने की कोशिश करता है, गोहान एक लात पेल देता है। जहाँ पर लैवेंडर को समझ में आ जाता है कि वो क्या सेंस कर रहा है, तो लैवेंडर ऊपर जाता है जो थोड़ी सर्टन ऊंचाई पर जाता है जहाँ से गोहान उसे महसूस ही नहीं कर पा रहा। विस कहता है बहुत अच्छी चाल है ये, और वैसे ही पीछे से वार कर देता है वो सीधा अपने दोनों हाथों को आगे लेकर एक ब्लास्ट, जो गोहान सेंस ही नहीं कर पाता। जहाँ कंटिन्यू गोहान मार खाए जा रहा है उस ब्लास्ट से, गोहान कुछ नहीं कर पा रहा। तभी मिस्टर सेटन कहते हैं ये तो बुरा हो रहा है। गोकू कहता है हाँ बहुत ही बुरा, लेकिन तब तक जब तक वो सेंस नहीं कर पाता सारी चीजें। अब लैवेंडर खत्म करने के लिए एक बड़ा ब्लास्ट क्रिएट कर रहा है, तभी वहाँ गोहान कहता है कि मैं रुकूंगा नहीं, और वो बन जाता है सुपर सैयन। सारे लोग शॉक में है कि भाई ये चमकीला कैसे हो सकता है। तभी वहाँ लैवेंडर कहता है कि तुम थोड़े चमकीले थोड़े पावरफुल तो हो सकते हो, लेकिन मेरे अटैक के बारे में तुम नहीं जानते। जहाँ पे पिछले एपिसोड में हमने बात की थी उस मिस्टीरियस बंदे की, वो कहता है कि मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा मास्टर, पहले ये मैच तो देख लूं। जहाँ अब वो एनर्जी कंटिन्यू ब्लास्ट किए जाता है गोहान के ऊपर, गोहान उस एनर्जी को फायर बैक कर देता है और जैसे ही ये होता है तो वो बौखला जाता है लैवेंडर, और वो कंटिन्यू अभी ब्लास्ट किए जा रहा है। गोहान सारे वार जो है वो दूर दूर फेंके जा रहा है, तभी वो ऊपर उड़ जाता है और कंटिन्यू अभी लैवेंडर को मार रहा है। जहाँ एक लात मारकर उसे दूर भी फेंकता है तो लैवेंडर पूछता है तुम मुझे कैसे देख पा,
रहे हो? गोहान कहता है कि मेरी ये जो पावर है इससे ही मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ और उसके बारे में पता भी कर पा रहा हूँ कि तुम्हारी अगली चाल कौन सी होगी। जावीज इस चीज को नाम देता है हाइपर एक्टिव रडार, लेकिन ये सुपर सेंस की काबिलियत ही है, जहाँ पर गोकू भी खुश है। दो चार बार फाइट मारने के बाद गोहान उसे पकड़ता है और सीधा ही नीचे पटक देता है। गोहान ऊपर से नीचे आता है और कहता है अब तुम्हारे लिए सब खत्म, लेकिन गोहान ही कुछ नहीं कर पाता, वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है और उसका सुपर सैयन पावर भी गायब हो जाता है। जहाँ बीरस कहता भी है कि उसने जितनी पावर बढ़ाई उस हिसाब से जहर फैल गया है, जहाँ पर विस कहता है कि उसने ऐसा किया है कि जो जहर है वो अपनी बॉडी में तेजी से फैलने का मौका दे दिया है। गोहान को अब मारने का कोई मौका नहीं छोड़ता। लैवेंडर कंटिन्यू मारे जा रहा है, तभी गोहान डॉच कर ऊपर चले जाता है। फिर थोड़ी सी फाइट होती है और फिर अब गोहान बन जाता है सुपर सैयन, जहाँ सुप्रीम गाय कहते हैं कि वो उसके लिए हानिकारक साबित होने वाला है, लेकिन गोकू मुस्कुरा रहा है। एक दो बार गोहान मारने के बाद दोनों ही एक दूसरे की तरफ ब्लास्ट कर देते हैं। ये देखकर जेनिस जो है वो खुश हो रहे हैं। गोहान कंटिन्यू लड़े जा रहा है, ब्लास्ट आगे बढ़ाया जा रहा है और उसके अंदर भी जहर फैलते हुए हम साफ साफ देख भी सकते हैं। दोनों रुकने का नाम नहीं ले रहे। तभी गोहान की पावर थोड़ी सी डाउन क्या हुई, लैवेंडर ने अपना ब्लास्ट ही चला दिया, जिस वजह से गोहान की पावर खत्म हो चुकी है और वो नीचे गिर रहा है। तभी लैवेंडर बिना टाइम वेस्ट किए अपना गैस फिर से छोड़ देता है। गोहान बनता है फिर से सुपर सैयन और उसी ब्लास्ट के अंदर से गुजर जाता है, जो सेटन देख भी लेते हैं और कहते हैं कि ये बहुत दर्दनाक होने वाला है। तभी गोहान जाता है, पकड़ लेता है लैवेंडर को पीछे से और कहता है कि अब तुम्हें जो मैंने पकड़ लिया है अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, और बहुत ऊपर जाता है और ऊपर से सीधा ही उसको स्टेज पर धड़ाम से खुद ही पकड़ कर लेकर गिरा देता है। अब हम देखते हैं दोनों ही गिर चुके हैं नीचे, जहाँ लैवेंडर अपनी सांस छोड़ देता है और गोहान के अंदर इतना जहर होने के बावजूद भी गोहान उठ खड़ा होता है। जहाँ गोहान उठकर कहता है मैं जीत गया और वो धड़ाम से फिर से नीचे गिरता है। जहाँ ग्रैंड मिनिस्टर आते हैं और कहते हैं देखकर ऐसा लगता है कि दोनों ही धाराशाही हो चुके हैं, तो मैच रोक दी गई है। जहाँ गोकू जाता है सेंस बीन खिलाता है और गोहान उठ जाता है। जहाँ गोहान कहता है आई एम सॉरी डैड। जहाँ गोकू कहता है कि तुमने बहुत अच्छी लड़ाई की है गोहान, तुम्हारा जो ये हौसला है ना इसी वजह से तुम जीत पाए हो। गोहान कहता है नहीं अभी मुझे और प्रैक्टिस करनी होगी। जहाँ पर ग्रैंड मिनिस्टर कहते हैं कि सारे लोग सुनो, ग्रैंड जेनो जो है वो सबको थैंक यू कहना चाहते हैं, जिन्होंने रैंकिंग दी है उसके हिसाब से तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है इन लोगों ने। जहाँ पर बीरस को पता चल जाता है कि अपनी जो लेवल है वो सबसे निचली है, इसका मतलब यही है। जहाँ ग्रैंड मिनिस्टर कहते हैं कि तुम्हारी लेवल नंबर 2 है और बीरस शॉक में है। अब जहाँ गोकू पूछ ही लेता है कि अगर हमारी नंबर 2 है तो सबसे नीचे कौन है। ग्रैंड मिनिस्टर कहते हैं तुम जानते हो वो है यूनिवर्स 9, जिसका नंबर है 1.86। और जब गोकू आया उनके पास तो उनको पता था कि यही सबसे लोएस्ट यूनिवर्स है, तो जो नए यूनिवर्स बने हैं उनको भी चांस मिलना चाहिए, इस वजह से ये ग्रैंड जेनो एक्सपो रखा गया। और अब जो इसके अंदर हारेगा उसका यूनिवर्स तबाह हो जाएगा। लॉर्ड चांपा शॉक में है। तभी सारे यूनिवर्स खुशफुसा रहे हैं। तभी सेवंथ यूनिवर्स के काय कहते हैं मुझे कुछ पूछना है ग्रैंड मिनिस्टर। जहाँ पर आप कह रहे हैं कि हारे हुए यूनिवर्स को खत्म कर दिया जाएगा, तो क्या इसका मतलब ये है कि टूर्नामेंट में हारने वाले सभी को खत्म कर दिया जाएगा। ग्रैंड मिनिस्टर कहते हैं जी हाँ, लेकिन मुझे ये बता देना चाहिए कि पहले और 12वें यूनिवर्स के बीच 5वें और 8वें के बीच टूर्नामेंट को दूर ही रखा जाएगा, क्योंकि उनकी जो लेवल है वो 7.5 के ऊपर है। जहाँ विस कहता है इंटरेस्टिंग, आपका मतलब ये है कि इस टूर्नामेंट का मकसद है लोअर लेवल के यूनिवर्स को खत्म करना, जो कि पहले से ही ओमनी किंग के चॉपिंग बोर्ड के नीचे था, और अगर एलिमिनेशन से बचना है तो टूर्नामेंट जीतना होगा। ग्रैंड मिनिस्टर कहते हैं जी हाँ, इसका मतलब तो ऐसा ही होता है। जहाँ पर मिस्टर सेटन पहले से कंफ्यूज है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा ये आदमी क्या कह रहा है। जहाँ किंग का कहते हैं कि हम सबको खत्म कर दिया जाएगा, यानी कि यूनिवर्स को भी। सेटन कहता है मैं समझ नहीं पाया, अरे हम सब लोग जितने भी हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं वो सब लोग मारे जाएंगे। मिस्टर सेटन बेहोश होकर गिर चुके हैं। अब बीरस और काय के बीच में नोकझोंक चाली हो चुकी है। वो कहते हैं कि तुम्हारा क्या, तुम तो उंगली भी नहीं लगाते, इंसान को खुद सीखना देना चाहते हो। जहाँ सुप्रीम गाय कहते हैं कि आपका क्या, आप सिर्फ सोए रहते हो। तभी ग्रैंड मास्टर कहते हैं आप लोग का हो गया तो तीसरी मैच शुरू करे। तभी ओल्ड गाय पूछते हैं कि हम देवताओं का क्या होगा। ग्रैंड मास्टर कहते हैं आप सब लोग मारे जाओगे सिवाय इस एंजल को छोड़ के। ये सारे लोग शॉक में है। जहाँ बीरस पूछता भी है कि ऐसा तुम्हारे पास क्या है, विस सिर्फ हंसता है। इन्फॉर्मेशन सेशन खत्म और तीसरी फाइट चालू, जहाँ पर इंथ यूनिवर्स का बोरगामो आता है और उसके सामने है हमारा कोकू। अब इन दोनों के ही ऊपर अपनी यूनिवर्स को बचाने का खतरा तो मंडरा रहा ही है, और साथ में ये फाइट भी शुरू होने वाली है। जहाँ पर गोकू के सामने कौन सी चुनौती रखेगा यही जानने के लिए हमें देखना होगा ड्रैगन बॉल सुपर का अगला एपिसोड। तब तक कीजिए लाइक इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। और तब तक के लिए देखते रहिए मूवीज़ इन।